कैसे हो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा मॉन्स्टर हंटर के एक और एपिसोड पे। और इससे पहले कि तुम मेरे नए आउटफिट को देखकर कुछ जज करो, मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मॉन्स्टर हंटर आइसबॉर्न की कहानी मैं शुरू कर चुका हूं। और इस रिकॉर्डिंग में मैं तुम्हें ये इसलिए नहीं दिखा पा रहा क्योंकि इससे जो पहली वाली रिकॉर्डिंग थी जहाँ पर मैंने आइसबॉर्न का जो कट सीन है वो रिकॉर्ड किया था, वो कट सीन हो चुका था करप्ट। क्यों करप्ट हुआ था वो भी बताता हूँ, क्योंकि रिकॉर्ड करते करते मेरा सॉफ्टवेयर क्रैश हुआ और जैसे ही मैंने रिकवर करना चाहा मेरी उसी टाइम पे लाइट चली गई, तो ना तो मैं वीडियो रिकवर कर पाया ना तो क्रैश संभाल पाया। तो ज़्यादा कुछ मिस तुमने किया नहीं है, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ। जैसे ही मॉन्स्टर हंटर वर्ल्ड की स्टोरी कंप्लीट होती है, यहाँ पर कुछ बंदे बैठे रहते हैं, उनसे बात करना होता है, कुछ हंट्स करने पड़ते हैं। उसके बाद हमको पहुंचा दिया जाता है आइसबॉर्न के सिनेमैटिक कटसीन पे, और वो सिनेमैटिक कटसीन जैसे ही कंप्लीट होता है हम पहुंच जाते हैं एक नए लोकेशन पे, और वो है ये। और क्योंकि ये एक नया लोकेशन है, मोस्ट प्रोबेबली मॉन्स्टर हंटर का सबसे बड़ा मैप है, एंशिएंट फॉरेस्ट, वाइल्ड स्पायर वेस्ट, रूट एंड वेल, इन सबसे भी बड़ा। और ये जो मैप है ये भरा हुआ है बर्फ से। तो जैसे ही लोडिंग हो जाता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ, काफ़ी ज़्यादा टाइम है इसकी लोडिंग होने का क्योंकि सबसे बड़ा मैप है तो जस्टिफाइड है वो थोड़ा सा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है गेम को मुझे SSD पे इंस्टॉल करना चाहिए था, बट ठीक है। हाँ, पहुंच चुके हैं। तो यार इस मैप में पहुंचाया था और इस मैप में थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करना पड़ा था, और उसमें इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक नया बेस हमने यहाँ पर अनलॉक किया था जिसका नाम है सेलियाना, राइट। तो अगर मैं यहाँ से शायद अभी भी कटसीन पे ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो यार बहुत ही खूबसूरत मैप है, बहुत ही खूबसूरत कटसीन था, बहुत ही खूबसूरत बैकग्राउंड म्यूजिक था। लेकिन इससे पहले मैं चाहता तो हूँ रिटर्न फ्रॉम एक्सपीडिशन करूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ क्योंकि दिक्कत यह है कि अभी इस मैप में एक और एक्सपीडिशन था जो गलती से मैंने इस मैप में आके शुरू कर दिया। इनफैक्ट मुझे क्या कहते हैं सेलियाना में जाना चाहिए था जो है ये वाला ठिकाना, राइट। तो इससे पहले कि मैं आगे बढूं, मैं तुम्हें बता देता हूं कि स्टोरी में अब तक कहां कहां प्रोग्रेस हुआ है। तो बेसिकली मुझे इस एरिया पे जाके छोड़ दिया गया था, ठीक है, और इसके बाद एक मॉन्स्टर को हंट करने का मौका आया था। तो उस मॉन्स्टर को हंट करने के बाद ये वाला जो कैंप साइट है वो अनलॉक हो जाता है जहाँ से मैं अभी आया था, ये वाला हिस्सा, राइट। तो क्योंकि अभी यहाँ पर आ ही गया हूँ, एक बार मील ही कर लेता हूँ, मील भी नहीं कर सकते, खैर छोड़ो कोई दिक्कत नहीं, वेपन चेंज कर लेता हूँ मैं। तो कहाँ था मैं, हाँ, मॉन्स्टर को हंट करने के बाद इस वाले कैंप में मैं आया था और उसके बाद मैंने अनलॉक किया था सेलियाना जो कि ये वाला अड्डा है, कह सकते हो ये एक कैंप है अपने लिए, ठीक है। और उसके बाद वो मिशन ख़त्म होने के बाद डायरेक्ट ही यही वाला मिशन शुरू होता है, यही वाला क्वेस्ट शुरू होता है जिसमें मैं अभी हूँ, अभी करेंटली हूँ, राइट। और जैसे ही मैं यहाँ पर आया था और जैसे ही मैंने ये वाला फुटप्रिंट उठाया था उसी टाइम पे मेरा
रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर क्रैश हो गया था, जैसे कि मैंने बताया वीडियो करप्ट हो गई थी। तो इसके बाद से तुम कुछ मिस नहीं करोगे, बस एक ही चीज़ तुमने मिस करी है, वो है एक कटसीन और एक मॉन्स्टर की फाइट, और उस मॉन्स्टर के बारे में मैं तुम्हें थोड़ी देर में बताऊंगा। और जिस तरीके से मैं अभी जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक और नया मॉन्स्टर मिलने वाला है। तो ये होगा दूसरा मॉन्स्टर मॉन्स्टर हंटर आइसबॉर्न का, और स्पेसिफिकली हॉरोफ्रॉस्ट रीच का। और जैसे ये हंट खत्म होता है तो ऐसा लगता है कि कंटिन्यू कर सकते हैं सेलियाना से, और मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ वो वाला अड्डा, आई मीन वो वाला कैंप जो आइसबॉर्न में पहले अनलॉक होता है। कठिन से ही तुम्हें समझ आ रहा होगा कि एक नए मॉन्स्टर का इंट्रोडक्शन होने वाला है। इनफैक्ट मुझे पता है ये कौन सा मॉन्स्टर है, क्योंकि आइसबॉर्न का जो पहला मॉन्स्टर था उसको हंट करते टाइम भी इस मॉन्स्टर के साथ एक बार टर्फ वॉर हुआ था। तो बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है इस मॉन्स्टर का। मैं वेट करूंगा कटसीन के लिए ताकि तुम खुद ही देख सको। मॉन्स्टर भी बाइपीडल है, यानी कि दो पैरों पर चलने वाला। ये देख सकते हो यार, मॉन्स्टर का नाम है बैन बैरो। और मुझे नहीं लगता मैं इससे लड़ पाऊंगा, क्योंकि मेरा जो आर्मर है वो अभी मास्टर रैंक का नहीं है। तो मैं तुम्हें बता दूं, आइसबॉर्न शुरू होते ही एक नया तरह का रैंक शुरू हो जाता है, वो है मास्टर रैंक। तो जैसा कि तुमको याद होगा, सबसे पहले हम थे लो रैंक पे, उसके बाद आए हाई रैंक पे, तो अभी शुरू हो चुका है मास्टर रैंक। टेंडराइज के पैरों को, नाइस। बुरी टाइमिंग थी, कुछ ज़्यादा ही जल्दी मैंने फोरसाइट चला दिया। कर लेता हूँ मैं खुद को हील। तो यार वो देख रहे हो, वो जो मच्छी टाइप का मॉन्स्टर आ रहा है वो है बियोटोडस। तो वही बेसिकली था आइसबॉर्न का पहला मॉन्स्टर, ये जो यहाँ पर खड़े हैं। तो इनके बीच में एक और बार टर्फ वॉर हो सकता है। लेकिन इसने मुझे मारने की सोची, ठीक है। और टर्फ वॉर शुरू हो चुका है यहाँ पे। बेसिकली बियोटोटस जो है वो यूराटोटस के ही फैमिली का हिस्सेदार लगता है, जैसे कि तुम इसके डिजाइन से ही देख सकते हो। शार्पनेस कम हो चुकी है बहुत ज्यादा जल्दी। नाइस फोर स्पाइक, गेज हो चुका है फुल। थोड़ा डिस्टेंस लूंगा, कुछ ज्यादा ही खूंखार है, और कोशिश करूंगा कि शार्पन कर लूं। शायद शांति से शार्पन करने देगा नहीं है। ऑफ कोर्स, तो
देख सकते हो वो अभी तक पूरी तरीके से एग्रो हुआ नहीं है, तो शायद मैं उसको एक और बार बॉल बैंक दे सकूं। पोजीशन लेता हूं मैं सबसे पहले। एक बार पूरी टाइमिंग, कोई बात नहीं, हेल्म ब्रेक कर दूंगा मैं। नाइस, बढ़िया वाकड़ बिल्ले। एक और बार, ग्राउंड ट्रेमर्स, बढ़िया सेव। एज यूजुअल कभी भी नया मॉन्स्टर मिलता है तो मैं उसकी फुटप्रिंट्स वगैरह कलेक्ट कर लेता हूँ। एक बार फिर से मैं शार्पन कर लेता हूँ। स्पिरिट केज फुल है मेरा, होपफुली एटलीस्ट एक अच्छा अटैक दे सकूँ मैं उसे। और यहाँ पर जहाँ तक मुझे लग रहा है यूरा टोटोस और बैनबेरो एक ही मैप के अंदर है या फिर एक ही जोन के अंदर है। में से कोई एक ना जाए तो मुझे नहीं लगता मैं खेल पाऊंगा शांति से। हेल्म ब्रेक कर इस पे डालूंगा लेकिन अटैक इस पे लगेगा। नाइस, थोड़ा सा रह गया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये थक चुका है। बहुत ही बुरी टाइमिंग, नहीं बच गया। अच्छा वो सर पे अटैक नहीं लगा क्योंकि सर उसका टेंडराइज नहीं है। बुरे टाइम पे ही आई स्पिरिट स्लैश, कोई बात नहीं। फोरसाइट कनेक्ट नहीं हुआ और हॉर्न्स तोड़ दिए मैंने इसके। और चढ़ चुका हूं मैं इसके ऊपर। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हाई रैंक के लॉन्ग सोर्ड से मास्टर रैंक के मॉन्स्टर पर इतनी आसानी से चढ़ सकते हैं, लेकिन ये भी है कि ये वाला मॉन्स्टर मास्टर रैंक का इतना ज्यादा ताकतवर है नहीं। बढ़िया, शार्पनेस खत्म हो चुकी है, फिर से कोशिश करूंगा शार्पनेस लाने की। ये क्या था, मेरा डिफेंस डाउन कर दिया है इसने। एक बॉक्स के अंदर आ गया, दिक्कत नहीं। और मैं हो चुका हूं खत्म, और मुझे लग रहा है फिर से ही बहुत जल्दी खत्म होने वाला हूं जब तक मैं खुद को हील नहीं कर लेता।
मौका ही नहीं दे रहा ये मुझे हिट करने का। बियोटोडस अपनी तरफ आ रहा है, उसको मैं करता हूँ इग्नोर, क्योंकि एक बार टर्फ वॉर करवाने के बाद एटलीस्ट 5 मिनट्स तक मॉन्स्टर दोबारा टर्फ वॉर करते नहीं है एक दूसरे से, वो एक बहुत बड़ी दिक्कत है। रुक ही नहीं रहे ये। ऑल राइट, स्पिरिट गेज कंप्लीट, हेल्म ब्रेकर एक और बार कंप्लीट, फोरसाइट का सेकेंड शॉट कनेक्ट नहीं हुआ सही से, आई मीन कनेक्ट हुआ लेकिन उससे पहले उसने मेरे को काउंटर कर दिया। नाइस, दोनों हॉर्न्स टूट चुके हैं इसके अभी। हेल्म ब्रेकर और ये कनेक्ट नहीं हुआ। अगर देख सकते हो मेरे स्टेमिना बार के जो आगे एक छोटा सा मार्क दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यह है कि मुझे कोल्ड डैमेज हो रहा है। मॉन्स्टर हंटर का एक और चीज़ है, जैसे कि आग पे ज़्यादा रहने से पैसिवली हेल्थ ड्रेन होता है, बर्फ में ज़्यादा रहने से पैसिवली कोल्ड डैमेज होता है। इसका मतलब एक टाइम बाद जो है स्टेमिना घटने लगता है। इनके पीछे छिप जाता हूँ, देखता हूँ इस बार। नहीं नहीं नहीं, अरे मुझे लगा था पत्थर लेकर आएगा, मैं सेफ रहूँगा, पर ठीक है कोई बात नहीं। कर लेता हूँ इससे पहले एक मील, क्योंकि शुरू में गेम ने मुझे मील करने की परमिशन नहीं दिया था। खैर तो चलो यार कर लेते वेपन चेंज। इंसेक्ट ग्लेव काम नहीं आएगा, ग्रेट स्वॉर्ड ही लेकर चलता हूँ। एटलीस्ट एक एक हिट करके भागता रहूँगा, जिस तरीके से इस मॉन्स्टर का प्ले स्टाइल है यही प्ले स्टाइल मुझे सबसे सही लग रहा है। एक बार हिट करो भागो, एक बार हिट करो भागो। तो अभी जिस कैंप में मैं था, होरोफ्रोस रीच में लैंड करने के बाद सबसे पहला कैंप वही अनलॉक हुआ था, और मॉन्स्टर पहले मॉन्स्टर को मारने के बाद दूसरा वाला कैंप जो मैंने तुम्हें अभी दिखाया। रुक जा बहन बैरो, बैनबेरो कमजोर हो चुका है, इसका मतलब समझ रहे हो? फाइव हंड्रेड 533 का डैमेज पड़ा है, बहुत ज्यादा नहीं है। शोल्डर टैकल तो कर दिया लेकिन मुझे नहीं लगता बहुत अच्छा डिसीजन था वो। ग्राउंड ट्रेमर्स, फिर से टर्फ वॉर होने वाला है इनके बीच में।
और इस टर्फ वॉर का मैं लूंगा फायदा। बहुत ही बढ़िया ट्रू चार्ज स्लैश पड़ा। अरे यार फिर से दहाड़ने की आवाज। पास आने दो। चलो अच्छी बात है, आधे से ज्यादा क्वेस्ट तो बियोटोडस ने कंप्लीट किया, तो इसको मैं लेता हूँ लूट। बहुत ही मुश्किल लड़ाई थी कंसीडरिंग कि मेरे पास जो आर्मर था वो हाई रैंक आर्मर था, मास्टर रैंक आर्मर नहीं। यार ये देख सकते हो, ये है बियोटोडस और इसके साथ हुई थी सबसे पहली लड़ाई। तो भी करना है कंप्लीट द एक्सपेडिशन एंड हेड बैक, लेकिन वो करने से पहले थोड़ा बहुत मैं तुम्हें दिखाता हूँ हॉरोफ्रोस रीच का जो एरिया है। बेसिकली अपने पास फॉरेस्ट बायोम था, अपने पास लावा बायोम था, अपने पास कोरल बायोम था, अपने पास रॉटन वेल बायोम था, अपने पास सैंड बायोम भी था, और फाइनली अपने पास अभी आ चुका है कोल्ड बायोम। और कोल्ड बायोम में जो भी रिसोर्सेस है वो भी अलग अलग है। तो जैसा कि तुम यहाँ पर देख सकते हो हॉट स्प्रिंग का जो रिसोर्स है, तो बेसिकली अगर तुम्हें याद होगा कोई भी ब्लाइट जब भी पड़ता था अपने को तो नलबेरी खाने से ठीक हो जाता था। तो हॉट स्प्रिंग्स जो है वो नलबेरी का ही फंक्शंस बताते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर मान लो यहाँ पर फाइट चल रही है राइट, और अगर तुम्हें आइस ब्लाइट पड़ गया हो तो एक बार यहाँ पर आके ऐसे खड़े हो जाओ 2 सेकंड तक और जो ब्लाइट है वो रिमूव हो जाएगा। थोड़ा आगे चल के देखते हैं, क्या पता कुछ और मिल जाए। और क्योंकि एक्सपीडिशन है कुछ नई चीज़ें भी मैं यहाँ पर सर्च कर सकता हूँ। छोटा सा गुफा मिला है यहाँ पे। ओके तो ये एक और कैंप साइट अपने को मिल चुका है। नाइस। आगे जाने पर ये देख सकते हो एक और मॉन्स्टर है, बहुत ही ज्यादा नया डिजाइन है ये, और मेरे को नहीं लगता इससे पंगा लेना भी सही रहेगा। दूरी चलते हैं या फिर गिली मैंटल पहन के इस मॉन्स्टर के आसपास थोड़ा सा देख सकते हैं क्या है क्या नहीं। मॉन्स्टर का नाम है बैरियोथ। तो यार बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है इसका, देख सकते हो सेबर टूथ टाइगर है बेसिकली। टेल्स देखो यार, टेल्स जो है बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है स्कॉर्पियन और क्या कह सकते हैं, रैटल स्नेक तो नहीं कहूंगा पर स्कॉर्पियन से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है, और हाफ ड्रैगन है ये भी। यहां चल के देखते हैं कुछ नई चीज होगी तो। हड्डियां दिख रही है मेरे, ओके, बोन पाइल, हड्डियां दिख रही है मेरे को। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो एरिया है वो बैरियोथ की गुफा है बेसिकली। आगे चल के देखते हैं तो यार ये देख सकते हो बहुत ही अजीब सा ग्राउंड है यहाँ पे,
ट्रांसलूसेंट सा, और जितना और नीचे तुम देख सकते हो मछलियाँ भी तैर रही हैं अगर तुम्हें दिख रहा हो तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये एरिया ऐसा होगा, ये देखो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एरिया ऐसा होगा कि मॉन्स्टर्स वगैरह के साथ अगर इस अरीना में लड़ाई हुई तो बर्फ़ वगैरह नीचे की तरफ टूट सकता है शायद से। थोड़े और प्लांट्स कलेक्ट कर लेते हैं। एक और बोन पाइल मिल चुका है मुझे। यहाँ पर बोन पाइल्स की कमी नहीं है, जिससे मेरे को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर प्रेडेटर्स की कमी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बोन पाइल्स मिलने का और क्या ही मतलब हो सकता है। जहाँ से शुरू किया था आई गेस वहीं पे आ गए, राइट। तो यार ये था अभी का क्वेस्ट। चलो करते हैं रिटर्न फ्रॉम एक्सपीडिशन और देखते हैं अपने पास मास्टर रैंक का कौन सा नया आर्मर अनलॉक हुआ है, क्योंकि हाई रैंक के आर्मर से तो नहीं खेल सकते अभी। और ये भी देखना बाकी है कि मास्टर रैंक में कौन से नए वेपन्स अनलॉक हुए हैं, कि मुझे नहीं लगता कि अभी हाई रैंक का वेपन्स अपने को ज़्यादा देर तक चलाने वाला है। लोडिंग स्क्रीन को देखकर ऐसा लग रहा है कि कटसीन आने वाला है। तो यार ये है वो कैंप जिसके बारे में बात कर रहा था। Hey, heard you took care of some rough work out there. How'd everything go? Splendid as usual. Now we can begin our investigation. Yep. Just think, this freezing cold place was waiting out here for us all this time. Who knows what secrets this land has in store for us? Whether we like it or not. We're going to find out. Well then, I'm heading back to Astana. Seriously? Someone needs to stay and look over Astara. So I was thinking, this time, you can take the lead. Come on, it's not for me. As long as you're here, everything will be fine, right? Besides, ordering someone to be a commander doesn't make them one. Maybe so. But this place needs a strong leader to guide it. They'll need you here to guide them. Yes, sir. We'll need you too. Let's get started. We've got a full house here in Celiana now, and our Legiana investigation has gone into full swing. So, before we get ahead of ourselves, how about we hear from our newest members? First up, provisions. Our new deputy here will take care of the stockpile in Celiana. Whatever you need, I got it by the pile. And for all your melding needs, Scram here's got you covered. Swing by any time to see what's stirring. Next, the captain's best sailor here will be managing shipment requests for the Argosy and harvest requests for botanical research. You come see me anytime. And last but not least, our chef. We got the best of the best for our canteen in Celiana. As some of you may know, she's the Astara chef's former mentor, and she's come out of retirement to help us out. तो यार म्यास्कुलर शेफ की भी दादी है ये, और म्यास्कुलर शेफ की भी मेंटोर है ये। रिटायरमेंट से आई है सेलियाना पे खाना बनाने के लिए। नाइस।
of the resource center as usual. You can still count on me for all your hunter gear. And what do you know? The Chief's made it out here too. Don't look so surprised. You know that I'd go anywhere in the noble pursuit of knowledge. And finally, there's me. I'll be keeping everyone safe and sound. You can all relax while I'm on watch. Well, now that the niceties are out of the way, back to our objective. We've got to figure out why the Legiana have migrated here. And to do that, we've got to find those Legiana. First, I'd like the field team to conduct an expedition into what we're now calling the Hoarfrost Reach. You might find a clue about the Legiana crossing by following any tracks that they may have left out there. Don't forget that this is still uncharted territory. Don't let me catch you being reckless out there. Yes, sir. We'll get started on the expedition right away. I'll be going too. There's quite a lot I need to see for myself out there. All right then. Just don't skimp on sending me regular status updates. I guess that about wraps things up then. Well, let's get to it, I guess. तो यार इससे पहले कि कुछ शुरू हो, एक बार मैं नए वाले कैंप साइट का एक टूर दे देता हूँ। तो जैसे कि न्यू वर्ल्ड पे घुसते ही अपने पास एस्टेरा था, तो होरोफ्रॉस्ट रीच पे घुसते ही अपने पास है सेलियाना। तो सबसे पहले मैं तुम्हें दिखा देता हूँ यहाँ पर एक कैंटीन, और ये है म्यास्कुलर शेफ की मेंटोर ग्राम म्यास्टर शेफ, राइट। और एज यूजुअल अपनी हैंडलर है एकदम खाने के साइड पे। ये है अपना कॉन्फ्रेंसिंग टेबल जो कि एसरा में तुम्हें याद होगा एकदम ही नीचे की तरफ था। एक नई चीज अनलॉक हुई है जिसके बारे में बाद में बताऊंगा। यह है स्टीम वर्क्स। ये क्या है इसके बारे में थोड़ी देर बाद जानेंगे। और एज यूजुअल यह है अपने स्मिथी, राइट। और आखिर में अपने प्रोविजनल स्टॉक पाइल्स, राइट। और यहां पर बैठती है अपनी एल्डर मेल्डर। तो यार सबसे पहले होरोफ्रॉस्ट रीच में जाने से पहले बात कर लेते स्मिथी से, क्योंकि दो मॉन्स्टर्स में मार चुका हूं और मैं नहीं चाहता कि आगे बढ़ते टाइम मैं हाई रैंक के आर्मर से खेलूं। तो चलते हैं स्मिथी के पास। स्मिथी कहते हैं, वेलकम टू आवर न्यू फोर्ज। एवरीथिंग स्टिल अ बिट कैओटिक, बट डोंट थिंक दैट्स गोना अफेक्ट क्वालिटी। Now, give me some materials. All the discoveries got me itching to create. New lens, new materials. Fire up the forge, lads. Forge equipment में जाऊंगा, armor में जाऊंगा। और यहाँ पर तुम देख सकते हो level 4 के decoration slots unlock कर चुके हैं अभी। यानी कि जो भी master rank के armor से, उसमें level 4 decoration slots तक आएंगे। पहले अपने पास level 1 तक था high rank में। अभी आ सकते हैं लेवल 4, ठीक है। तो देखते हैं मास्टर रैंक में क्या क्या अवेलेबल है। तो यार अभी जिस मॉन्स्टर को मैंने मारा उसका नाम है बैन बैरो, राइट। तो इसमें तुम देख सकते हो उसका उसका जो टोटल डिफेंस है वो है 130 130 130 130। रोज आर्मर जो है इसमें जो अपने को डिफेंस मिलता है वो है 150। लेकिन उसके लिए मेरे पास अभी पूरे मटेरियल्स कलेक्ट नहीं हुए। और यह है बियोटोडस आर्मर। यह वही मॉन्स्टर है जिसको मैंने पहले मारा था और इसमें मुझे डिफेंस मिलता है 118। तो ट्राई करता हूँ कौन सा आर्मर जो है बेटर है और उसको सबसे पहले इक्विप करने की। और ऊपर जाके देखते हैं, काफ़ी सारे आर्मर तो है लेकिन उनको अनलॉक करने की कैपेसिटी नहीं है मेरे पास। तो सबसे पहले मैं अनलॉक करना चाहूँगा बैनबरो के वैम ब्रेसेस, क्योंकि मुझे इसमें मिल रहा है ऑफेंसिव गार्ड और हेल्थ बूस्ट। हेल्थ बूस्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसमें भी देखता हूँ मैं बियोटोडस में आइस अटैक, स्टैमिना सर्ज। बियोटोडस की वेस्ट पीस में मुझे मिल रहा है हेल्थ बूस्ट, तो उसको भी अनलॉक करूंगा मैं।
और लेग्स में मुझे मिल रहे हैं ईयर प्लग्स, तो आई गेस बियोटोडस को ही मारना सबसे बेटर रहेगा। लेकिन उससे पहले बियोटोडस को मुझे करना पड़ेगा फार्म, और फार्म करने के लिए मेरे पास बियोटोडस के रिसोर्सेज कम है, तो समझ ही सकते हो मैं क्या करने वाला हूँ। चलते हैं बियोटोडस के हंट पे। इससे पहले मैं एक बार जाऊंगा, सेट डेकोरेशंस करूंगा, और जैसे कि देख सकते हो 4-स्टार डेकोरेशन स्लॉट अवेलेबल है, और 4-स्टार डेकोरेशंस अवेलेबल नहीं है। खैर कोई दिक्कत नहीं, वाइटैलिटी ज्वेल कर लूंगा मैं इक्विप। और कुछ एक बार फिर से स्मिथी से बात कर लेते हैं। ओके, स्मिथी कहते हैं, दैट्स गॉट ऑल ऑफ अस फायर अप टू मेक यू टफर गियर देन एवर बिफोर। एनी ऑफ दिस न्यू मटेरियल्स यू फाइंड, ब्रिंग देम ऑन बाय, विल टर्न देम इनटू समथिंग यू कैन बी प्राउड टू वेयर। गारंटी तो ठीक है, न्यू लैंड्स न्यू मटेरियल्स, फायर अप द फोर्ज। और स्मिथी ने मुझे दिया एक लेवल 4 आइटम जो कि है एक्सपर्ट ज्वेल, तो इसको भी मैं कर लेता हूँ इक्विप। तो एक्सपर्ट ज्वेल बेसिकली मेरे को देता है क्रिटिकल आई, जो कि मेरी अफिनिटी को थोड़ी और बूस्ट करता है। एक बार वेपन्स भी देख लेते हैं क्या नया है। लॉन्ग स्वॉर्ड में देखूंगा मैं, लॉन्ग स्वॉर्ड ट्री में जा करके, और यहाँ पर देख सकते हो जो एक सबसे नया वेपन है वो तो क्वेश्चन मार्क है, लेकिन जहाँ तक अनलॉक हुए हैं और ट्री के कुछ वेपन्स अनलॉक हुए हैं। तो आई गेस जो सिल्वर वाले आइकन्स है वो फाइनल रैंकिंग वेपन्स है, गोल्ड वाले उससे थोड़े कम, ब्लू वाले उससे थोड़े कम, रेड वाले उससे थोड़े कम, एंड सो ऑन। तो अभी मैं हूँ पर्पल रैंकिंग पे, तो देखता हूँ मेरे पास पर्पल रैंकिंग के कौन कौन से वेपन्स अवेलेबल है क्राफ्ट करने के लिए। तो अभी तो मैं सिर्फ बियोटोडस से लड़ा हूँ, तो सिर्फ उसी के ही वेपन्स आएंगे मेरे पास। तो यार एक वेपन तो है जो कि है लूनास्ट्रा वेपन, वो मैं क्राफ्ट कर सकता हूँ। ज़ेनोजीवा का भी एक वेपन है अगर तुम्हें याद होगा, लास्ट टाइम जब लड़े थे अपन ज़ेनोजीवा से, इसका भी मैं क्राफ्ट कर सकता हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए पहले ये वाले दो वेपन्स, और इनको क्राफ्ट करने के लिए मुझे चाहिए कोरल क्रिस्टल्स, जो कि मिलेंगे मेरे को कोरल हाईलैंड पे। ठीक है, सबसे पहले तो आर्मर क्राफ्ट करते हैं आज के लिए, उसके बाद चलेंगे एक वेपन क्राफ्टिंग रन पे। और क्योंकि अभी मास्टर रैंक शुरू हो चुका है, तो मैं चाहता हूँ मैं कोई एक मेन वेपन पकड़ूँ, राइट? और मेन वेपन के बाद मैं क्या कहते हैं, एक मेन वेपन पकड़ूँ और एक सेकेंडरी वेपन पकड़ूँ, क्योंकि अभी मास्टर रैंक में सारे वेपन्स को एक एक करके अपग्रेड करने में बहुत ज़्यादा ग्राइंडिंग हो जाएगी। पर कोशिश करेंगे वो ग्राइंड करने की अगर कभी अगर टाइम अलाउ करे तो। तो बेसिकली मैं पकड़ना चाहूँगा मेरे दो सबसे फेवरेट वेपन्स। पहला तो है यार इंसेक्ट ग्लेव, क्योंकि उड़ने वाले परिंदों से बहुत नफरत है मेरे को, और उड़ने के लिए कोई तो कोई वेपन चाहिए जो उड़ने वाले परिंदों के लिए सफिशिएंट हो। तो सबसे पहला मैं क्राफ्ट करना चाहूँगा इंसेक्ट ग्लेव, और उसको अपग्रेड करूँगा। और सेकेंड है लॉन्ग सोर्ड। लॉन्ग सोर्ड इसलिए क्योंकि वेपन जो है बहुत ज़्यादा काउंटर पर बेस्ड है, और आगे बढ़ते बढ़ते मैं ग्रेट स्वॉर्ड भी क्राफ्ट करूँगा, लेकिन सबसे पहले मैं फोकस करूँगा इन दो वेपन्स पे, लॉन्ग स्वॉर्ड और इंसेक्ट ग्लेव। लेकिन उसमें जाने से पहले एज यूजुअल कब से बोलता आया हूँ मैं, बियोटोडस का क्वेस्ट कर लेते हैं। जॉइन में नहीं, पोस्ट में जाऊँगा। मास्टर रैंक देख सकते हो यहाँ पर दो अलग रैंकिंग्स खुल चुके हैं, लो रैंक हाई रैंक और मास्टर रैंक। ऑप्शनल में जाऊँगा और करूँगा मैं, काफ़ी सारे मास्टर रैंक क्वेस्ट है तुम देख सकते हो, लेकिन सबसे पहले मैं करना चाहूँगा बियोटोडस का डीप स्नो डाइवर। चलते हैं इसके पास।
तो कोशिश करूंगा कि इस बार मैं इसको कैप्चर कर सकूं। चलिए शुरू हटा देता हूँ, मैग्नाडोरा रहने देते हैं, क्राफ्टिंग लिस्ट में जाऊंगा और क्राफ्ट कर लूंगा अपने लिए कुछ शॉक ट्रैप्स, मैनेज आइटम्स, इक्विप कर लूंगा अपने साथ एक शॉक ट्रैप और देख सकते हो ट्रैंक बॉम्ब ऑलरेडी है। तो यार चल लेते हैं बियोटोडस की क्वेस्ट पे। बहुत ही जल्दी ड्रॉप कर दिया है मेरे को। पहला फुटप्रिंट मिल चुका है। इतना बड़ा फुटप्रिंट बियोटोडस का तो नहीं हो सकता जितना मुझे लग रहा है, ये पक्के से बैनबेरो का फुटप्रिंट है। आई होप कि मैं गलत हूं। स्काउट फ्लाइज ने स्मेल पकड़ लिया है और मुझे ये लेके जा रहे हैं अभी बियोटोडस तक। और वो दिख चुका है मुझे बियोटोडस, नाइस। चार्ज करूंगा तब तक अपने वेपन को, नाइस शॉट। बुरी टाइमिंग, कोशिश करता हूं इसको पास में यहां पर लेके आने की, नाइस। अब मैं इसको दे सकता हूं वॉल बैंक, देने के लिए मेरे पास पत्थर नहीं है यार। चिट, 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 चिट। थोड़ा डिस्टेंस लेता हूं मैं, बेब्लेड अटैक, पत्थर मिल चुका है, एक और बार वॉल बैंक, लेकिन हो नहीं पाया वॉल बैंक। कोई दिक्कत नहीं, बियोटोडस को गुस्सा आ चुका है। तो देख सकते हो यार बियोटोडस ने ऑलरेडी मेरे को आइस ब्लाइट दे दिया है। जल्दी से खा लेता हूँ एक नलबेरी, इसके बाकी के शरीर को भी मैं कर दूंगा टेंडराइज, लेकिन ऐसा प्लान नहीं लग रहा। सर के आगे का सींग इसको बेब्लेड अटैक के लिए बहुत ज्यादा लॉजिकल बनाता है। और बैनबेरो आ चुका है पीछे, बहुत ही बढ़िया डैमेज, थैंक्स बैनबेरो। होपफुली इनके बीच एक टर्फ वॉर हो जाए, और हो चुकी है टर्फ वॉर, नाइस। नजारे का मजा लेते हैं। बियोटोडस गया नीचे, बियोटोडस बैनबेरो के ऊपर, यार इसको वॉर नहीं इसको वॉर क्राइम कहते हैं। इनका मटेरियल लेके मैं यहाँ से कल्टी मार लेता हूँ, क्योंकि बैनबेरो से लड़ना नहीं है मेरे को।
वो भी खास करके ग्रेट सॉर्ड से। वो पीछे ही पड़ा है मेरे पत्थर लेकर के। नाइस, बहुत ही सही टाइम है वॉल बैंक करने का। नाइस, और ये मेरे को भी अटैक पड़ गया। बैनबेरो अभी तक एग्रो नहीं हुआ है। चलो अच्छा है, वो निकल ही रहा है। डियोडोरस को लगता है भूल चुका था मैं यहां पर हूं। हिप चेक। बहुत ही बुरी कोशिश। से पहले कि कुछ हो मैं हील कर लेता हूं खुद को। कोशिश करूंगा एक और एयरबोन डैमेज देने के लिए। नाइस, नॉट बैड। एक और बार, एनिमेशन में अटक चुका था मैं। हिप चेक फिर से। मैं होप कर रहा था कि पूंछ कट जाए, लेकिन इसकी पूंछ कटेगी नहीं। और पड़ गया है मेरे को आइस ब्लाइट। थोड़ा दूर था मैं, फिर से ट्राई करूंगा। बहुत ही बुरी कोशिश। शायद अभी सही मौका है। नहीं, और इसने वो पोडियम भी तोड़ दिया। एक बार फिर से। जाते जाते मुझे आइस ब्लाइट दे गया। खैर कोई बात नहीं, पोडियम अभी भी ठीक है। नहीं नहीं नहीं, फिर से नहीं। ओ, बहुत ही हाई ग्राउंड का अटैक था वो। और ये फिर से गया बैनबेरो के पास। मैं सही बता रहा हूँ, जब तक एक एरिया में दो दो मॉन्स्टर है, शांति से फाइट करने का मौका मिलेगा नहीं। शांति की बात छोड़ते हैं, सबसे पहले मैं कर लेता हूँ खुद को शार्पन।
हो क्या रहा है ये? ऐसा लग रहा है एवलांच आया है, लैंडस्लाइड। ओ मेरे को भी लग गई लैंडस्लाइड। यार देख सकते हो बहुत ही ज्यादा इमर्सिव मामला था। इवन लैंडस्लाइड्स भी होती है इस गेम में। अरे बहन बेरो मेरे को क्यों? हॉट ड्रिंक्स के इफेक्ट भी कम होने लगे हैं। बियोटोडस अभी तक कमजोर नहीं हुआ है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है ऐसे लंबे मॉन्स्टर के लिए, मॉन्स्टर्स के लिए यूजुअली जो सबसे बेस्ट वेपन होता है वो है ड्यूअल ब्लेड्स। स्टैमिना यहाँ पर मेरा कम हुए पड़ा है। जाते जाते आइस ब्लाइट दे गया मुझे। हंटर थक चुका है लेकिन बियोटोडस के उस पर अभी तक स्केलेटन का निशान नहीं आया, तो मुझे नहीं लगता कि वो थका हुआ होगा। करता हूं मैं इसको टेंडराइज। थोड़े स्टोन्स चाहिए मेरे को। अरे कैसे यार, बड़े ही सरप्राइजिंग से अटैक्स है इसके। बहुत सही। फिर से नहीं, बहुत देर कर दी मैंने। एक और बार, नाइस, बहुत बढ़िया। बढ़िया शॉट। ट्रू चार्ज रह गया। और बियोटोडस खत्म। नाइस। मॉन्स्टर के उसमें स्केलेटन का आइकन दिखाया नहीं तो मैं भी समझ नहीं पाया कैप्चर के लिए वो कब तैयार था। मॉन्स्टर जैसे ही लड़खड़ाने लगा था उसी टाइम पे शायद मुझे ट्रैप बिछा देना चाहिए था। खैर कोई दिक्कत नहीं, होपफुली कुछ अच्छे अमाउंट ऑफ लूट मिल सके मेरे को।
यहाँ पर चारों जगह हड्डियाँ पड़ी हुई है, लेकिन मैं कोई भी हड्डियाँ लूट नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों। खैर 10 सेकंड बचे क्वेस्ट ख़त्म होने के, और क्वेस्ट हो चुका है ख़त्म। होपफुली बियोटोडस का मैं वेस्ट पीस क्राफ्ट कर सकूँ और उससे मेरे को मिल सकता है हेल्थ बूस्ट 3। तो यार देख सकते हो यहाँ पर अभी नए अवार्ड्स में मुझे ज्वेल्स भी मिलने लगे हैं, और एक और 4-स्टार ज्वेल मिल चुका है मेरे को, वो है माइज़मा ज्वेल। माइज़मा का मतलब है जब रॉटन वेल में जाते हैं तब जो चीज़ अपनी लाइफ पैसिवली ड्रेन करती थी वो ड्रेन नहीं करेगी। हैंडलर को बहुत ही ज़्यादा जल्दी है यहाँ पे। करता हूँ मैं फोर्ज इक्विपमेंट आर्मर। ओह बोन आर्मर अनलॉक हो चुके हैं देख सकते हो, लेकिन अपने को तो चाहिए बियोटोडस आर्मर, तो मैं ये वाला लेना चाहूँगा यहाँ पे। हेल्थ बूस्ट और गियर प्लग्स इक्विप। हैंड पीस बैनबेरो का ऑलरेडी है मेरे पास, तो यार दो हेल्थ बूस्ट प्लस एक और हेल्थ बूस्ट, तो अभी मेरे पास आ चुके टोटल ऑफ 3 हेल्थ बूस्ट। हेलमेट भी रेडी है। मॉन्स्टर स्लॉग बोन क्या होता है वो मुझे अभी तक नहीं पता, तो अभी मुझे दो और पीसेस क्राफ्ट करने हैं, और वो बेसिकली है लेग पीस एक चाहिए और एक चेस्ट पीस चाहिए। तो चेस्ट पीस अगर मैं देखूँ तो स्टैमिना सर्च के मुझे कुछ पॉइंट्स मिल रहे हैं यहाँ पे, और बैनबेरो में मुझे स्पीड ईटिंग के मिल रहे हैं। तो लेग्स का तो मैं ईयर प्लग्स के साथ ही जाना चाहूँगा इस बार, और चेस्ट के लिए मैं जाऊँगा फॉर स्पीड ईटिंग जो कि है बैनबेरो मेल में। ठीक है वो करते हैं, अब देखते हैं अपग्रेड अवेलेबल है कि नहीं। आई गेस डिफेंडर ट्री पूरा ही अपग्रेड है, पर्पल अपग्रेड तक पहुंच चुका है राइट। तो अभी जो नेक्स्ट ग्रेट स्वॉर्ड, वैसे ग्रेट स्वॉर्ड तो मुझे क्राफ्ट करना नहीं है, तो मैं करता हूँ अभी मैं इक्विप करके चलूँगा लॉन्ग स्वॉर्ड या तो इंसेक्ट लेव। तो कर लेता हूँ मैं इक्विप लॉन्ग स्वॉर्ड, क्योंकि अभी आगे के आइसबॉर्न मोस्टली इसी से खेलना है। तो यार यही चीज़ है, मोस्टली वेपन्स वगैरह शुरू में ट्राई करो लो रैंक में, जितने ज़्यादा वेपन्स ट्राई कर सकते हो। हाई रैंक में कुछ वेपन्स पिक करो जो तुम्हें अच्छे लगते हो, और मास्टर रैंक में एक ऐसा वेपन पिक करो जिसके साथ तुम बहुत ही ज़्यादा जेल हो चुके हो। इसका यह मतलब नहीं कि दूसरे वेपन्स को भूल ही जाओ, दूसरे वेपन्स को याद रखने में ही फ़ायदा है, क्या पता किस मॉन्स्टर के लिए कौन सा वेपन सबसे बेस्ट हो। बट हाँ अगर चाहो तो या तो दो तरह के वेपन्स रखो, एक तो प्राइमरी एक तो सेकेंडरी, जैसे कि मेरा अभी प्राइमरी है लॉन्ग स्वॉर्ड, सेकेंडरी रहेगा इंसेक्ट ग्लेव, और उसी को चलाओ आइसबॉर्न में। तो अभी मैं कोशिश करूँगा एक नया लॉन्ग स्वॉर्ड क्राफ्ट करने की। अभी तो मेरे पास है डिफेंडर कटाना जो मुझे देता है 726 रॉ डैमेज और 300 ब्लास्ट डैमेज जो कि है इसका एलिमेंटल थ्रेशोल्ड। शार्पनेस जो है कि इसमें वाइट शार्पनेस है, तो जो कि बहुत अच्छी बात है। ये वेपन इतना खास नहीं लग रहा क्योंकि इसमें ब्लू शार्पनेस है, नेगेटिव अफिनिटी है, तो इसको मैं करूँगा इग्नोर। रैथियन ब्लेड भी अच्छा लग रहा है क्योंकि पॉइजन डैमेज इसमें काफ़ी ज़्यादा है, प्लस पॉजिटिव अफिनिटी है इस पर। आई गेस रेड वेपन भी मैं अनलॉक कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे पास अभी मटेरियल्स नहीं है। ₹726 यहाँ पर मुझे मिलता है रो, जो है कि टिट्ज़ियाकु स्वॉर्ड, ओके। और ओर ट्री में मिलते हैं 726 रो, और जो ग्रेड आउट एलिमेंट है उसका मतलब अपने को एलिमेंट जो है वो रिवाइव करना पड़ेगा डेकोरेशंस की मदद से, जो कि बेकार है, ज़रूरत है नहीं उस चीज़ की।
अभी फिलहाल तो 726 रॉ डिफेंडर कटाना ही सही है, लेकिन आगे चलते समय कोशिश करूँगा कि एटलीस्ट रैथलॉस का वेपन मैं क्राफ्ट कर सकूँ। 627 सही तो नहीं लग रहा क्योंकि इसमें ब्लू शार्पनेस है। खैर आगे की बात आगे देखेंगे, लेकिन इससे पहले एक और बार जाके फार्म कर लेते हैं बियोटोडस को। ऑप्शनल एमआर बियोटोडस, तो यार अगर तुम सोच रहे हो कि मैंने आर्मर तो बदल लिया लेकिन अभी तक आर्मर का लुक क्यों नहीं बदला, तो रीज़न ये है कि ये जो आर्मर है ये बेसिकली लेयर आर्मर है, तो समझ सकते हो एक स्किन की तरह है, गेम के जो स्किन्स होते हैं ना वैसा ही। और इसका ये मतलब है कि मैं बिना आर्मर बदले एक ही तरह का दिख सकता हूँ। पता चला मेरे पास स्लिंगर एमो ही नहीं है, तो इसी से स्लिंगर एमो मैंने गिरवा दिया। और ये नाइस शॉट, सर को कर दिया मैंने टेंडराइज। थैंक्स बांकर विले, अगर तुम्हें याद होगा लास्ट टाइम बांकर विले ने पैरालाइज नहीं किया था मॉन्स्टर को। और आ चुका है इसको गुस्सा। फोरसाइट कॉम्बो कंप्लीट, बढ़िया ही आई स्पिरिट स्लैश। हेल्म ब्रेकर पड़ चुका है अभी। पीछा करूंगा मैं बियोटोडस का। तो यार बैनबेरो भी आ चुके हैं यहां पे। और चल चुका है इनके बीच में टर्फ वॉर, तो इनके टर्फ वॉर के बीच में मैं कर लूंगा अपना वेपन शार्पन। 1610, वाह बहुत ही खतरनाक डैमेज। लास्ट शॉट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसी एरिया पे लास्ट टाइम लैंडस्लाइड हुई थी। तुम ही दोनों लड़ लो पहले, मैं तो जॉब ही छोड़ दूंगा ना। बहुत ही बढ़िया हेडशॉट पड़ा उसे। नलबेरी खा के ब्लाइट खत्म करता हूं। नहीं, बियोटोडस निकल चुका है। मैं करता हूं उसका पीछा।
सही रास्ते पे हो क्या? शायद नहीं। ओ, एक और गड्ढा, नाइस। कुछ नया है यहाँ पे? ऐसा लग रहा है कि ये ऐसा एरिया है कि मॉन्स्टर के आने पर थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हैं, थोड़ा सा छुप सकते हैं। ओ, एक नया बोन पाइल मिला है। कोई तो भी रेयर ड्रैगन बोन आर्टिफैक्ट। हाँ, ये शायद कुछ सेकंड पहले एक तो भी आर्मर पे देखा था, जिसको क्राफ्ट करने के लिए ड्रैगन बोन आर्टिफैक्ट चाहिए था। खैर, जाने देते हैं उसको। बेओटोडस किधर गया? कुछ ज़्यादा ही अंदर आ चुका हूँ मैं, वैसे यहाँ तक आना नहीं था। हाँ, स्काउट फ्लाइज भी पीछे का ही रास्ता दिखा रहे। बैनबेरो अभी तक यहीं पर है। इसको करते हैं इग्नोर, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये पीछा छोड़ेगा। चलते हैं बेओटोडस के पास। तो हनी मिल चुकी थी, लेकिन मेरा इन्वेंटोरी फुल था, तो मैंने उसको स्वैप कर दिया किसी दूसरे आइटम के साथ। अच्छी डाइव थी, लेकिन निशाना चुक गया। नाइस ट्राई। स्पिरिट गेज फुल हो चुका है, अब बस वेट है उसके आने का। नाइस, उसके पैरों को मैं तोड़ दूंगा अभी। बहुत ही बुरी टाइमिंग पे। अच्छा डॉज रोल। फोरसाइट कॉम्बो कंप्लीट। ईआई स्लैश। नॉट बैड। ईआई स्लैश, नाइस। ऐसा लग रहा है बियोटोडस थक चुका है। यस, नाइस। और बैन बैरो भी यहां मौजूद है, तो उसको मैं कर दूंगा इग्नोर। ट्रैप्स रेडी है मेरे पास। मिल चुके हैं थोड़े से हर्ब्स, नाइस। और यहां पर मैं ट्रैप डाल नहीं सकता। बहुत सही। इसका वेट करते हैं। बर्फ में खुद को संभालने का, और मैं कोशिश करूंगा इसको एक छोटे से या फिर थोड़े से पतले मैदान में लेके आने के लिए यहाँ पर, और मे भी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बर्फ लगा सक मतलब बर्फ नहीं, यहाँ पर ट्रैप लगा सकता हूँ मैं। नाइस, पासा। उसको असर नहीं हो रहा। हाँ, हुआ। तो यार हंट हो चुका है कंप्लीट।
नाइस। और जैसे कि तुम लेफ्ट साइड पे देख सकते हो, कोई तो भी बंदे ने मेरे को ज्वाइन किया था, लेकिन उसके बिना ही मैंने हंट कंप्लीट कर दिया। खैर कोई दिक्कत नहीं, नाइस। तो यार एक और चीज मैं बताना भूल ही जा रहा हूँ बार बार, कि अपने जो शाउट आउट्स है उसको चेंज कैसे कर सकते हैं। तो अभी ये हंट खत्म ही हो रहा है, हार्ड मियाउ स्पिरिचुअल, नाइस। तो अभी ये हंट खत्म ही होने वाला है, हो ही चुका है। तो एक बार मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो शाउट आउट्स है गेम के, वो चेंज कैसे करने, क्योंकि उसी में बहुत ज़्यादा फन है। तो गेम के शाउट आउट चेंज करने के लिए सेटिंग्स पे जाओ, राइट, और ऑप्शंस में जाओ, आई गेस गेम ऑप्शंस में वो मिलेगा। मैं भी भूल चुका हूँ वो कहाँ पर है। देखते हैं, कम्युनिकेशन में जाओ और शाउट आउट्स में जाओ, राइट। और ऑटोमेटिक शाउट आउट जो है यहाँ पर तुम चेंज कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे करना है आई माउंटेड अ मॉन्स्टर, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा, मुझे नहीं पता क्या लिखना चाहिए, अभी तो मेटल गियर राइजिंग रेवेंजेंस के मुझे डायलॉग्स याद आ रहे हैं, तो मैं लिखता हूँ शेडिंग ब्लड अंडरनीथ द स्टार्स। तो इस तरीके से जब भी मैं किसी मॉन्स्टर पर सवार होता हूँ मल्टीप्लेयर पे, तो मेरा कैरेक्टर ये वाला डायलॉग बोलेगा। उसी तरीके से ट्रैप के टूल पे, सेटिंग अप एनिमल अब्यूज कैंप। तो यार इस तरीके से कुछ भी उल्टा सीधा लिख सकते हो, कुछ भी नए डायलॉग बना सकते हो, कुछ भी चेंज कर सकते हो। तो मैं तुम्हें यार मिलता हूँ अगले एपिसोड पे, क्योंकि आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। और अगले एपिसोड पे मैं बनाऊँगा कुछ अगले एपिसोड में कोशिश करेंगे कि कुछ मल्टीप्लेयर हंट्स करें, राइट, और मल्टीप्लेयर हंट्स में ऐसे डायलॉग्स वगैरह स्पैम करें। तो यार आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ तुमको आज का एपिसोड पसंद आया हो। एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ तुम आगे और क्या देखना चाहोगे, और कौन से वेपन्स वगैरह चॉइस तुम्हारे अच्छे लगते हैं, कौन से वेपन चॉइसेस तुमको अच्छे लगते हैं। ज़ेनोजीवा के क्वेस्ट और थोड़े आगे की तरफ आते हुए करेंगे। तो यार इसी के साथ मैं तुमसे लेता हूँ अलविदा। बाय बाय।